फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? भक्त डिफेंड, हम इनका लगाता हूँ ताकि कौनो भक्त पीटे नहीं। भगवान, हमारा एनआरसी का डॉक्यूमेंट वा नहीं मिल रहा है, वो दिलवा दीजिए ना, हम देश में रहना चाहता हूँ। अरे भैया, हमारा डॉक्यूमेंट वा नहीं मिल रहा है, हम भगवान से मांग रहा हूँ तो वो बताबती नहीं कि कहाँ है। आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हैं? हमारा वोट लेके हम ही से पूछ रहे हैं कि देश के नागरिक हो या नहीं। लुल हो गई हमारी लाइफ है। अरे बुलेट ट्रेन आ गई। पीके ने आज एक बहुत अहम सवाल उठाया है। का? कि एनआरसी और सीएबी एक्ट के सचमुच देश की जनता के लिए ठीक है? नहीं, अरे गरीब अनपढ़ आदमी 70 साल पहले का डॉक्यूमेंट वा कहाँ से लाएगा? बोलो हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। पीके कह रहा है कि एनआरसी और कैब बैन होना चाहिए क्योंकि वो एक्ट देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। हम इस भूमि पर जहां भगवान राम का जन्म हुआ एक एनआरसी एक्ट लाना चाहते हैं, तो ये सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाके उससे पूछिए जो ये सीएबी और एनआरसी को रोकना चाहता है। कौन है ये पीके? कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं? कृपा कीजिए आप लोग, और अगर सवाल पूछना है तो जाके उस पीके से पूछिए क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका देश क्या है। ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लगता है? कौन सा थप्पा? धर्म वाली मोहरिया। ये कौन से देश का है, कैसे पता चलेगा? मोदी जी, भाई कबाड़ हमारी दुकान पर कांटे ले रहा है। याद हो एला गाजर। फीलिंग आया कि देश में वैल्यू सिर्फ एक ही आदमी का है, बाकी लोगों का वैल्यू ई देश में 0/0। फिर एक दिन हमका मिनिस्टर की कार मिली, डांसिंग कार। पकड़ो उसे, अरे वो ईवीएम मशीन से वोट चुरा रहा है। ऐसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिटर्न ले रहा था, वोट वा ले लिया और नागरिकता नहीं दे रहे हैं। ई वाला भूत पा बीजेपी को 2 बार वोट डाला था, उठते ही लिए बाकी रिटर्न डाले। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? भक्त डिफेंड, जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना ताकि कौन मूटे नहीं, हम इनका लगाता हूँ ताकि कौनो भक्त पीटे नहीं। साहब को एक कॉफी मिला दो। चेरी, आपको क्या लगता है इसको डिप्रेशन है? जो भी है, why would I care? Exactly. क्यों हम अपने चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं? अच्छा तुम क्या दिखाना चाहती हो? इधर आना, ये देखिए, मैं आज एक आदमी से मिली जो सड़कों पे ये पैम्फलेट्स बांट रहा है। यहाँ पे 3 मार्क्स हैं, दिखाऊं? ये बर्थ मार्क्स नहीं है, तुम्हारे डार्लिंग डैडी के फ्रेंड वो बीजेपी से है ना, उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी, उनके अंधे भक्तों ने आकर त्रिशूल घुसा दिया यहाँ पर, यहाँ राइट इन माय बम। उस दिन से मैंने तय किया कि इस देश में रहना है तो बीजेपी से मत उलझो, दैट्स इट। बॉस ने मौका ही नहीं दिया उस स्टोरी को फॉलो करने का। सब आधार कार्ड और एनआरसी का डॉक्यूमेंट वा लेकर लाइन में लगा था अपना अपना नागरिकता लेने के लिए, पूरा 6 घंटा बाद हमारा नंबर आया। भगवान भगवान भगवान, हमारा एनआरसी का डॉक्यूमेंट वा दिलाई दो। है? अरे चलिए भाई। अरे रुकिए, हमारा डॉक्यूमेंट वा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमका नागरिकता नहीं दे रहे हैं, हम आधार कार्ड भी दिखा दिए हूं। ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। आपको नागरिकता मिल जाएगी, चलिए। कब मिलेगा बेटा? कब कैसे बता सकता हूँ, आपको नागरिकता मिल जाएगी। अरे लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट वा कब मिलेगा? लाइन मत रोकिए आप, चलिए आगे। अरे हम आगे निकल गया और हमारा डॉक्यूमेंट ना किसी और को थमा दिया तो? मुसलमान है क्या? अरे लेकिन कहाँ मिलेगा नागरिकता? डिटेंशन कैंप में मिलेगा आपको। बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान, हम कुछ तो गलती कर रहा हूँ जॉन, हमारी बात अब तक पहुंच नहीं रही।
इस ससुरा एनआरसी और कैब सही है या गलत समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान, हमका देश में रहना है, बस हमारी नागरिकता दिलवाई दीजिए प्लीज। कुछ तो बोलिए प्लीज। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। भाई लोग, अब एक घंटा मा हम इंडिया में लैंडिंग मारने वाला है। हम जौन सिखाया हूँ वो भूलना ना है। सिर्फ चार पॉइंट हैं। वन, इंडिया में करप्शन करना मना है। ई रिश्वत विश्वत सब करप्शन वाला काम ये लोग छुप छुपा के चोरी छुपे करता है। बाकी लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान ये सब ओपन में अलाउड है। दुई, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अंधा भक्त और चमचा। अगर आप सोशल मीडिया में कहीं कमेंट बा देख लो कि आई लव मोदी आई लव कांग्रेस, तो इका मतलब ये नहीं है कि इन लोगन का देश से प्यार है। इका मतलब हुआ अब इन लोगन के बीच हिंदू मुसलमान का डिबेट बा होने वाला है। ये जो अंधा भक्त सोचता है और बोलता है इमा फर्क काय है, ई पर हम रिसर्च करेगा। तीन, उतरते ही हम भ्रष्ट नेता की कार से कपड़ा चुराएगा। आप सब अपना अपना नागरिकता डाल लेना अंडरवियर मा, एकदम डीप मा डालना ताकि कौन छीन न ले ससुरा। हाँ, और चार सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौनो मिले जो कहे कि वो देश में अच्छे दिन ला सकता है तो भाड़ में गया रिसर्च, यू टर्न मारना और फुल स्पीड मा भागना। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे। Well done, Rocky. Shabash. Well done, Rocky. What a presentation. Fantastic. ये presentation तूने बनाया है? तूने बनाया ये presentation? अरे ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? सर ये presentation मेरा है, मैंने बनाया है। क्या? सर ये presentation मैं। Sir. What? मुझे इस program की कोई credit नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। Get out of here. Get out. I said get out of here. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. अभी जो आपने शो देखा, उसके क्रिएटर हैं राकेश शर्मा, आपके रॉकी। Thank you everyone. अरे वो वीडियो अपलोड मत करो, अभी भी पब्लिश किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के सब व्यू ले जाएगा, मेहनत तो मेरी खराब होगी ना। तुम बहुत मस्त काम करता है अली भाई। और दूसरी बात, तुम लोगों ने अंधा भक्त लिख लिख कर हमारा कमेंट सेक्शन स्पैम से भर दिया यार। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अंधे भक्तों को अंधा भक्त कह दो तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो छुपन छुपाई में हार गए हैं। कम ऑन गाइज, इट्स अ फनी वर्ड, दैट्स इट। और हम वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, इन वीडियोस को सीरियसली मत लिया करो, मैं थक गया हूं बोलते बोलते। डबिंग, वॉइस, वीडियो एडिटिंग और वीडियो कॉन्सेप्ट के बारे में छोड़कर आप सब कुछ कमेंट करते हो, तो प्लीज जेन्युइन कमेंट करो गाइज। और कमेंट से याद आया, हमारे Q&A पोस्ट पर मैंने कुछ फैंस के कमेंट्स पढ़े। Just love your all videos. You are fabulous in your work. Always creative with new content. 1 million subscriber हो जाएंगे जल्दी आपके. Love you Ali. Love you Ali. Love you Ali. Sorry. भाई स्क्रिप्ट और डायलॉग कौन तैयार करता है और वॉइस कौन देता है? कितने लोगों की टीम है या खुद ही सब कुछ करते हो? तो वो खुद कौन हो? देखिए हम लोग CID से। तो गाइस कभी मान भी लिया करो भाई की, वी आर टू ब्रदर्स एंड सारी वॉइसेस एडिटिंग सिर्फ हम दोनों की होती है। और हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वो लाइक का बटन जरूर दबाओ कैसे भी करके। और अगर चैनल पर नए हो तो बनता है सब्सक्राइब तो बनता है।